हेलो दोस्तों, देवयानीज होम कुकिंग में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। इस बार हम बनाने वाले हैं खस्ता कचौरी की रेसिपी, और त्यौहार में इसको बनाने का मजा कुछ और ही अलग है। हलवाई स्टाइल खस्ता कचौरी बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से है और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इस दिवाली पे खस्ता कचौरी इस तरीके से आपके फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर बना के खिलाइएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफी मजेदार वीडियो होने वाला है और नई टिप्स और ट्रिक के साथ ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बनाते हैं खस्ता कचौरी। एक कटोरी पीली मूंग की दाल ले ली है, जिसको हमको अच्छे से धो के भिगो देना है गर्म पानी में। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे गर्म पानी। इसको हम ढक के रख देंगे, तब तक हमारा दूसरा मसाले की तैयारी कर लेंगे। ये कचौरी हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल, जिसके लिए हमें चाहिएगा मैदा। इसी के अंदर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक कटोरी मैदा लिया है मैंने, घी, तीन चम्मच जितना घी यूज किया है और तीन चम्मच जितना ही ऑयल यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैदे का डो भी हमको गर्म पानी से ही लगाना है। जैसे रोटी बनाते हैं इस प्रकार हमको एकदम सॉफ्ट गूंदना है। आप चाहे तो इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बाइंड हो रहा है पूरा। इस तरीके से हम इसको घी और ऑयल डालना पड़ेगा मोन के लिए, और अंदर पानी डाल के अच्छे से डो लगा लेंगे सॉफ्ट सा। आटा हमारा एकदम सॉफ्ट सा लग चुका है, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ है। इसको हम रख देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे तब तक हम इसको रेस्ट पे रख रहे हैं। दाल हमारी देखते हैं भीग चुकी है, देखिए, और इसको ना ही ग्राइंड करनी है, हमको ऐसी ही दाल चाहिए। एकदम भीग भी चुकी है और एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, इसको ग्राइंड नहीं करनी है, एज इट इज हमको बनानी है। हलवाई स्टाइल कचौरी बनाने के लिए ऐसी ही दाल चाहिए होगी। चलिए बनाते हैं इसका मसाला। कढ़ाई में ऐड करेंगे दो चम्मच जितना ऑयल, उसी के अंदर ऐड करेंगे दो चम्मच जितनी सौंफ, इसी के अंदर ऐड करेंगे हींग, आधी चम्मच जितनी हींग ऐड कर रही हूँ। एक कटोरी हमने मूंग दाल ली थी, तो उसी कटोरी के माप से हमें दो कटोरी बेसन चाहिए होगा। ये दो कटोरी बेसन लिया है। जो कचौरी का मैं आपको माप दिखा रही हूँ, उससे हमारी 15 कचौरी आराम से बन जाएगी। इसी तरीके से हमको बेसन को थोड़ा सा भून लेना है। इसी के अंदर ऐड करेंगे हम दो चम्मच जितनी कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर। लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मैंने दो दो चम्मच लिए हैं, अमचूर पाउडर, नमक, हल्दी और गरम मसाला मैंने एक एक स्पून लिया है। इसको ऐड करेंगे, और बेसन की अच्छी सी खुशबू आ चुकी है भूनते हुए। इसी के अंदर ऐड करेंगे दाल जो भिगी हुई थी, वो एज इट इज डालनी है, ना ही इसको ग्राइंड करना है। इससे आपकी कचौरी एकदम हलवाई स्टाइल बनेगी और टेस्टी भी इतनी ही लगती है। इस तरीके से आप कचौरी जरूर बना के ट्राई कीजिए। इसी मसाले में हम डालेंगे पानी, ये पानी जो दाल को भिगोया हुआ था वो ही है। इसी के अंदर मैंने दो कटोरी पानी डाल रही हूँ, पहले जो पानी डाला था वो दाल भिगा हुआ था, और ये सेकंड टाइम डाल रही हूँ। जितना हम पानी ऐड कर रहे हैं वो सारा सोख लेगा बेसन और हमारी दाल। इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा बेसन हमारा भून जाए और ये पक भी जाएगा। मसाला हमारा एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। मसाला आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुका है, और इसकी दाल भी एकदम पक चुकी है। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे खाने वाला सोडा, आधी स्पून जितना मैंने सोडा लिया है। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपको सोडा आटे में नहीं डालना है, कचौरी के मसाले के अंदर ही ऐड करना है, और वो भी मसाला ठंडा होने के बाद। अब इस मसाले को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से, जिससे हमारा सोडा एकदम मिल जाएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे कचौरी के अंदर फिल करने के लिए।
आप देख सकते हैं इस तरीके से हमको इसको गोल गोल बना के रख देना है। और ये वाली कचौरी हमारी हलवाई स्टाइल कचौरी है। ये ड्राई कचौरी अगर आप बनाना चाहें तो इसके मसाला एकदम ड्राई आपको भूनना पड़ेगा, जिसके अंदर पानी कम से कम यूज होगा। अगर आपको वो वाली कचौरी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वाली कचौरी भी जल्दी लेके आऊंगी। इस तरीके से हमने सारी लोइया बना ली है कचौरी फिल करने के लिए। आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ हो चुका है। अब हम इसकी भी लोई बना लेंगे और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे अच्छे से। इसको थोड़ा पटक पटक के मसलना है। एकदम स्मूथ आटा है आप देख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम। इसी तरीके से हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी का लोई करते हैं वो करना है, प्रेस करना है और इसको राउंड राउंड करना है। और हमारी स्टफिंग इसके अंदर ऐड करनी है, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इस हथेली की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये हमारी कचौरी एकदम शेप में बन चुकी है। सारी कचौरी हमारी फिल हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी 12 कचौरी ऑलरेडी बन चुकी है और ये 3 का स्टफिंग बन चुका है, मतलब एग्जैक्ट ये 15 कचौरी जितना हुआ है। ऑयल हमारा एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, खाली हमने स्लो आंच पे उसको रख लिया था। ये नॉर्मल हमारा गर्म हो चुका है, खाली उतना ही होना चाहिए। इसको स्लो फ्लेम पे हम देखिए रख लेते हैं। इस तरीके से कचौरी हमारी डाल देते हैं। कचौरी हमारी स्लो आंच पे हो रही है, आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुकी है। पर इसको 15 से 20 मिनट तक हमको ऐसे ही स्लो आंच पे पकाना है और इसको अलट पलट करते रहना है। इस तरीके से हमारी कचौरी एकदम, आप देख सकते हैं एकदम फूल चुकी है। अगर आपकी स्टफिंग ज्यादा हुई तो आपकी कचौरी अंदर से फट भी सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारी कचौरी फट रही है क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग ज्यादा हो गई थी। इसी को हम निकाल लेंगे। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे हमारी दूसरी कचौरी जिसके अंदर हमने स्टफिंग कम डाली है। आप देख सकते हैं ये कम फिलिंग वाली है और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही है और एकदम फुली फुली कचौरियां बनी है बाजार जैसी। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म कचौरी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। मेरे तरीके से आप खस्ता कचौरी एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए। देख सकते हैं आप कितनी फूली फूली कचौरी बनी है और एकदम खस्ता कचौरी बनी है और आप सभी को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। अंदर की स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप खस्ता कचौरी बनाइए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर खिलाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आए उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।